हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने परिवार टारगेट पॉइंट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रमुख पुरस्कार और उनके क्षेत्र। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इनको देख लेते हैं तो इससे 2 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको कंटेंट देख कर पता ही लग रहा होगा कि कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो समय को ज़ाया न करते हुए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं तो आप नोट डालकर जरूर लिखना। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सिनेमा में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और ये 1969 में प्रथम महिला प्राप्तकर्ता थी देविका रानी। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, नोबेल पुरस्कार ऑप्शन नंबर बी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके क्या है? नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, भौतिकी, अर्थशास्त्र और साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। और ये अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में 10 दिसंबर 1901 को नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। 10 दिसंबर 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार में 5 श्रेणियाँ थीं। अर्थशास्त्र को 1968 में जोड़ा गया। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई, प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर ए साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप थे। तो इनकी एक कविता संग्रह पर इन्हें 1950 में प्रकाशित उनके कविता संग्रह ओडकुजल द बैम्बू फ्लूट के लिए उन्हें 1965 में यह पुरस्कार मिला था। और इसके इम्पोर्टेंट आशापूरा देवी अपने उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए 1975 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1965 में हुई थी, आप लोग जानते ही होंगे। आशापूरा देवी वेरी इंपॉर्टेंट है और 1965 में हुई थी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपको कंटेंट आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और इसके क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट? चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। तो बीएस नायपाल पहले भारतीय मूल के उपन्यासकार थे, इन्हें उपन्यास के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो आपको पॉइंट नंबर 2 है, अरुंधति राय मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी जिन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिला था। तो मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1969 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर सी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट के कहते हैं, सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित किया गया था और इस देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है।
और भारत के संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी में से उत्कृष्ट साहित्य एवं कार्यों के लिए की जाने वाली वार्षिक पुरस्कार है। और सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, ब्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर डी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। 1991 में शुरू किया गया ब्यास सम्मान हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। ब्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा भी दिया जाता है। पहला ब्यास सम्मान वर्ष 1991 में रामलीला शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है रामलीला शर्मा। और ब्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? 1991 ईस्वी में हुई थी, आप लोग जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वाचस्पति पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाचस्पति पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के लिए किसी लेखक को योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार की शुरुआत 1992 ईस्वी में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो आप मेरे लिए ही नहीं पर अपने तिरंगे के लिए वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त सभी ये शासन सेवा, सार्वजनिक सेवा, पत्रकारिता और साहित्य चारों के क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रतिवर्ष शासन सेवा, सार्वजनिक सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और सामुदायिक नेतृत्व के योगदान के लिए दिया जाता है। विनोबा भावे सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए वर्ष 1958 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। वेरी इंपॉर्टेंट, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 ईस्वी में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर बी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया हैं। यह पुरस्कार अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 में हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर सी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं पॉइंटिंग की ओर। रविशंकर वर्ष 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में बेस्ट मीट्स ईस्ट नामक एल्बम के लिए जीता था। महिलाओं में तन्वी शाह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला थी। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत 1959 में हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, कलिंग पुरस्कार ऑप्शन नंबर ए विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा समाज में विज्ञान के प्रचार और लोकप्रियता में योगदान के लिए दिया जाता है। यह 1951 में भारत के कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक श्री विजयानंद पटनायक के दान के बाद दिया गया था। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, शांति स्वरूप भंडागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का नाम CSIR के संस्थापक और निर्देशक स्वर्गीय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया पुरस्कार में। इसमें 5,00,000 रुपये की पुरस्कार राशि शामिल है। KS कृष्णन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे।
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत 1957 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, धनवंतरी पुरस्कार की शुरुआत 1971 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर ए कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। यह पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिकों की उनकी अनुसंधान और कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार एक उर्वरक कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया जाता है और नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग के सम्मान में नामित किया गया है। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1972 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, कबीर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर बी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय कवि पुरस्कार देता है। यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं की कविता में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। आप लोग जानते ही होंगे, कबीर पुरस्कार की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 16, भारत रत्न पद विभूषण पद भूषण और पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर डी साहित्य विज्ञान और जनसेवा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। भारत रत्न भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। और चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। वर्ष 1954 में भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता श्री राजगोपालाचारी थे, और आप लोग जानते ही होंगे। चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत रत्न जीतने वाले दो गैर भारतीय हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेशनल मंडेला। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत रत्न पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता हैं इंदिरा गांधी। भारत रत्न पद्मभूषण पद्मश्री की शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोग जानते ही होंगे, 1954 में। परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, यह उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। वेरी इंपॉर्टेंट, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सोमनाथ शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन हैं? निर्मलजीत सिंह शेखो। वेरी इंपॉर्टेंट, परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। अगर कंटेंट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड लग रहा है आपको, आपके सर की मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। महावीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर सी सूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, और इसे हरियाणा सरकार एक मुश्त 1 करोड़ नकद राशि का पुरस्कार दिया जाता है। किस सेना प्रमुख ने 2 बार महावीर चक्र प्राप्त किया है? जनरल AK वैद। वेरी इंपॉर्टेंट, महावीर चक्र की शुरुआत 1950 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, वीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, एक ऑप्शन नंबर डी वीरता एवं बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है। वीर चक्र युद्धकालीन परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद वीरता पुरस्कारों में तीसरे स्थान पर है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगस्त सन 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप लोग जानते होंगे, वीर चक्र। वेरी इंपॉर्टेंट, वीर चक्र की शुरुआत 1950 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, वीरता सूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता नीरजा भनोत थी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21, कीर्ति चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है?
वेरी इंपॉर्टेंट है, वीरता सूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में वेरी इंपॉर्टेंट। 1967 में अशोक चक्र वर्ग सेकंड का नाम बदलकर क्या रखा गया कीर्ति चक्र रखा गया। कीर्ति चक्र की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शौर्य चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप लोग जानते ही होंगे ऑप्शन नंबर बी वीरता सूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है। 1967 में अशोक चक्र वर्ग थर्ड को क्या नाम दिया गया, शौर्य चक्र। वेरी इंपॉर्टेंट, शौर्य चक्र की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप लोग जानते ही होंगे खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए ऑप्शन नंबर डी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत में खेलों में उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यानचंद पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी ध्यानचंद नाम पर रखा गया। वे किस खेल के लिए जाने जाते हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे हॉकी। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप लोग जानते ही होंगे ऑप्शन नंबर ए खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो आप लोग जानते ही होंगे कोच को दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता भालचंद भास्कर भागवत इन्हें कुश्ती में मिला था, ओम प्रकाश भरद्वाज मुक्केबाजी में और ओ एम नम्बियार को एथलेटिक्स में मिला था, जिन्हें 1985 में सम्मानित किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, तो आप लोग जानते ही होंगे खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी शुरुआत 1985 ईस्वी में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप लोग जानते ही होंगे ऑप्शन नंबर सी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने वर्षों तक उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए, 4 वर्षों तक। वेरी इंपॉर्टेंट, अर्जुन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कृष्ण दास थे, जिन्हें 1961 में तीरंदाजी के क्षेत्र में सम्मान किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और आप कहाँ से हैं ये भी बताना, क्योंकि इस वीडियो से आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। मीना शाह 1962 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी, आप लोग जानते ही होंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप लोग जानते होंगे खेल एवं सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, भारत में किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद को ही पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता विश्वनाथ आनंद थे। राजीव गांधी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता को कितनी राशि दी जाती, तो आप जानते ही होंगे 25 लाख रुपये। राजीव गांधी पुरस्कार की शुरुआत 1992 ईस्वी में हुई थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप लोग जानते ही होंगे ऑप्शन नंबर सी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। तो पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो गोविंद बिहारी लाल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28, एवल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप लोग जानते ही होंगे यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो एवल पुरस्कार का नाम नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरिक एवल के नाम पर रखा गया। तो
कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे अक्सर गणित के नोबेल के रूप में जाना जाता है, तो ये एबेल पुरस्कार है। एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी, तो करेन उहोलेन वेक थी। एबेल पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 29, फील्ड मेडल पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप लोग जानते ही होंगे ऑप्शन नंबर बी गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1936 ईस्वी में हुई थी, आप लोग जानते ही होंगे। मूर्ति देवी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप लोग जानते ही होंगे ऑप्शन नंबर सी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1961 में हुई।